रास्ते से जा रहा था, एक गाना बज रहा था, गाने के बोल मेरे कान में पड़े, डोली सजा के रखना। शब्द मेरे कान में पड़े, डोली सजा के, उसका बोलते डोली सजा के रखना। मेरे मन में विचार कौन था कि डोली सजा के रखने वालों, आरती को सजाना मत भूल जाना, क्योंकि जिंदगी में डोली सजे, जो पैदा हुआ है वो पढ़ पाए ना पढ़ पाए कोई जरूरी नहीं है, पर मरेगा ये जरूरी है। जो पैदा हुआ वो बहुत बड़ा पैसा वाला बन पाए ना बन पाए ये कोई जरूरी नहीं है, पर उसकी अर्थी सजेगी ये जरूरी है। जो पैदा हुआ है उसकी शादी हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो मरेगा ये तय है। इसलिए दुनिया से निवेदन करता हूं कि डोली सजा के रखने वालों, अर्थी को सजाना मत भूल जाना, मरेगा निश्चित है। है कोई वकील दुनिया में, है कोई वकील जो सुप्रीम कोर्ट से मौत के खिलाफ स्टे ऑर्डर ला सके? है कोई वकील? मैं सवाल करता हूं लोगों से, दुनिया में है कोई वकील जो मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला सके? है कोई डॉक्टर जो मौत के शिकंजे में कसे हुए प्राणी को मौत के मुंह से बचा सके? है कोई फैमिली डॉक्टर? मैं दुनिया से सवाल करता हूं, है कोई पहलवान, दावा पहलवान जो मौत से मुकाबला कर सके? है कोई धनपति जो रिश्वत दे करके मौत से बच सके? मौत को मत भूलिए, घर में रहो, परिवार में रहो, ऑफिस जाओ, बाजार जाओ, काम धंधे में रहो। तरुण सागर इसके लिए कभी किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन इतनी गुजारिश जरूर करेंगे, अपनी मौत को मत भूलिए और अपने भगवान को मत भूलिए। दुनिया वालों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, गौर से इस बात को सुनने का, लक्ष्मी की पूजा तो करना पर लक्ष्मी पर भरोसा मत करना। लक्ष्मी की पूजा करना लेकिन लक्ष्मी पर भरोसा मत करना। लक्ष्मी पूजा के काबिल तो है लेकिन भरोसे के काबिल नहीं है। लक्ष्मी की पूजा करना मगर लक्ष्मी पर भरोसा मत करना, और भगवान की पूजा भले ही मत करना लेकिन भगवान पर भरोसा हर हाल में करना। मत भूलिए भगवान को, मत भूलिए। दो चीजों को भूल जाओ, दो चीजों को याद रखो। जीवन के लिए इतना ही सबक बहुत होता है। मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं आती है। लोग कहते हैं मुनि जी आपके प्रवचन में समयसार की कोई गाथा नहीं, कोई श्लोक नहीं, फिर आपका प्रवचन कैसा? और मैंने कहा भैया ये गाथा और ये श्लोक और ये सब सुनना है तो पंडितों के पास जा, तो मेरे पास भूल के भी मत आ। मैं कबीर की भाषा बोलता हूं क्योंकि कबीर भी जो कुछ भी बोला, काशी के पंडितों ने कबीर को पकड़ लिया और कहा कबीर जी एक बात बताओ, 12 साल पढ़ते पढ़ते हमारी उम्र हो गई, संस्कृत घोंटते घोंटते हमारी उम्र हो गई, हम कुछ बोलते हैं लोग सुनते नहीं है, और तुम बोलते हो तो दुनिया तुमको सुनने के लिए चली आती है, इसकी वजह क्या है? अरे कबीर ने कहा भैया तुम फालतू पचड़े में क्यों पढ़ते हो, तुम अपना काम करो, मुझे अपना कहा है बोला नहीं, इसके राज क्या, तुम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो लेकिन तुम बोलते हो दुनिया तुम्हारी बात को सुनती है। हम संस्कृत के प्राकृत के प्रकांड विद्वान है, घोंट घोंट करके संस्कृत प्राकृत को पी डाला फिर भी हमारी बात कोई सुनना नहीं, इसकी भाई है क्या है? कबीर ने कहा भैया वजह जो मुझे समझ में आती वो इतनी है कि तुम कहती कागज की लेखी और मैं कहता आखन की देखी, भाई इतना ही दोनों में फर्क है। स्वभाव को बदलिए, स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा। स्वभाव को बदल लो तो फिर स्थान बदलने की जरूरत नहीं होती है। स्वभाव को बदल लिया जाए तो फिर स्थान बदलने की जरूरत नहीं होती है। स्वभाव को बदलिए।
स्वभाव महत्वपूर्ण है। जीवन में बदलाव इसलिए जरूरी है, जब आदमी के जीवन में बदलाव आता है, जीवन में बदलाव आता है तो बत्ती जब घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर हो जाता है। बत्ती जब घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर हो जाता है। बत्ती जब जल में प्रवेश करती है, जल गंधक हो जाता है। बत्ती जब घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर हो जाता है। बत्ती जब जल में प्रवेश करती है, जल चरणामृत हो जाता है। बत्ती जब सफर में प्रवेश करती है, सफर तीर्थ यात्रा हो जाती है। बत्ती जब संगीत में प्रवेश करती है, संगीत कीर्तन हो जाता है। बत्ती जब भूख में प्रवेश करती है, भूख व्रत हो जाता है। बत्ती जब भोजन में प्रवेश करती है, भोजन प्रसाद हो जाता है। और बत्ती जब इंसान में प्रवेश करती है, इंसान भगवान हो जाता है। तो बदलाव जरूरी है। बदलाव घर मंदिर हो जाता है सिर्फ बदलाव से। जल गंधोदक हो जाता है सिर्फ बदलाव से। यात्रा तीर्थ यात्रा हो जाती है, सफल तीर्थ यात्रा हो जाती है सिर्फ बदलाव से। इसलिए अपने को बदलिए। सामने वाला कुछ बोले, आप चुप रहिए। चुप नहीं रहता है। आदमी इतना बेईमान है, चुप नहीं रहता है। अगर सामने वाला गुस्से में है और गुस्से में अगर आपको बोला कुत्ता और आपने भौंकना शुरू कर दिया, गलत क्या कहा? सोचिए, अगर सामने वाला गुस्से में है और उसने आपको कहा कुत्ता और आपने भौंकना शुरू कर दिया, उसने गलत क्या कहा? गलत तो उस वक्त होता जब आप चुप रहते। मगर चुप नहीं रहता आदमी, जवाब देता है। और उसकी गाली पूरी भी नहीं हो पाती है और आदमी उससे पहले अपनी गाली दे लेता है। उसको लगता है अगर इस गाली का जवाब मैंने तुरंत नहीं दिया तो मेरा स्वर्ग का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। नहीं, चुप रहिए। महावीर के जीवन की घटना है, 12 साल तक चुप रहे। बाहुबली स्वामी 1 साल तक चुप रहे। आप 1 घंटे तो चुप रहिए, आधा घंटे तो चुप रहिए, 15 मिनट तो चुप रहिए, 10 मिनट तो चुप रहिए, 5 मिनट तो चुप रहिए। 5 मिनट। एक दिन मैंने प्रवचन में लोगों से कहा 12 बजे से लेके 12:05 तक आप चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं। सबने कहा हाँ महाराज, आपका नियम का पालन करेंगे। सब लोग अपने अपने गए 12 बजे। बोले अब नियम शुरू होता है। इसी बीच फोन की घंटी खड़खड़ाई, उन्होंने अपना फोन निकाला, ऑन किया और बोला 10 मिनट बाद बात करना, अभी मेरा मौन चल रहा है। अब बताओ क्या करें? मौन रहिए, सुबह सुबह 1 घंटा मौन रहिए। मां बहन भोजन में जो भी परोस दे, चुपचाप खा लीजिए।
नमक कम है तो बोलिए मत, मांग मांग के खाइए मत, मांग मांग के खाइए मत, अजी रोटी लाओ, अजी पानी लाओ, अजी नमक लाओ, अजी सब्जी लाओ, अजी ये लाओ, अजी वो लाओ, मांग मांग के कौन खाता है? बोलो बोलो, मांग मांग के, मांग मांग के कौन खाता है? भिखारी। आप भिखारी तो नहीं है ना, आप तो अपने घर के मालिक है ना, आप तो अपने घर के शेख है ना, तो मांग मांग के क्यों खाते हो? मांगे मत, माँ बहन बेटी जो भी परोसते उसको प्रसाद मांग के चुपचाप। और कहा कि तूने मुझे मेरी पात्रता से ज्यादा दिया है, शिकायत मत करो, शिकायत मत करो। लोग मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते करते एक शिकायत में उतार आते, प्रार्थना प्रार्थना करते करते शिकायत पर उतार आते हैं। तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फला नहीं दिया, ध्यान ढिकाने नहीं दिया, इसको ये दिया वो दिया, मुझे नहीं दिया, बड़ा मेरे साथ अन्याय किया ना है। उसको बोलो ये मेरे मालिक, तूने मुझे मेरी पात्रता से ज्यादा दिया, सबको गिला है, बहुत कम मिला है, सबको गिला है, सबको गिला है, सबको गिला है, सबको गिला है, बहुत कम मिला है। पर जरा सोचिए तो, आप जितना कितनों को मिला है? सबको मिला है, बहुत कम मिला है, पर जरा सोचिए तो, आप जितना कितनों को मिला है? शिकायत मत करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और जिंदा प्रार्थना करो, कहो मेरे मालिक मेरे कानों को ऐसी ताकत देना मैं अपनी बुराई सुन सकूं। जीवित प्रार्थना करो, प्राणवंत प्रार्थना करो, मेरे कानों को ऐसी ताकत देना मैं अपनी आलोचना सुन सकूं। लोग बड़ी मुर्दा प्रार्थना करते हैं मंदिर में, हे भगवान तू करुणा सागर है, ज्ञान सागर है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है। अरे वो जो है वो तो सबको मालूम है, तू क्या है रामलाल, ये बोल तू क्या, ये बोल अपने वाले बोल। हिमालय के सामने जाके कोई कहे कि हिमालय इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, वो तो सबको पता है। पर हिमालय के सामने जाके अगर हमें अपना बौनापन दिखाई दे जाए तो हिमालय के सामने खड़ा होना सार्थक हो जाता है। इसलिए जीवन में जीवन में जीवन में जीवन में जो मिला स्वीकार करो। एक संत था, दुष्ट व्यक्ति से पूछा कितने बज रहा, कितना बज रहा है टाइम, पूछा कितना बज रहा है, वो दुष्ट व्यक्ति का, दुष्ट प्रवृत्ति का, दुष्ट प्रकृति का। संत ने उससे पूछा भाई कितना बज रहा है, उसने घड़ी को देखा और साधु के सिर पर एक डंडा मारा और बोले बाबा एक बज रहा है। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ टाइम बताने का, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, एक डंडा मारा उसका बाबा एक बज रहा है, सिर पे डंडा पड़ा। साधु खुशी के मारे नाचने लगा, खुशी के मारे नाचने लगा और हाथ जोड़ करके उस ऊपर वाले को लाख लाख धन्यवाद देने लगा। लोगों ने कहा बाबा तुम पागल हो गए क्या है, उसने तुमको डंडा मारा, रोने की बजाय आंसू मारने की बजाय तुम खुश होके नाच रहे हो, पागल हो गए क्या? साधु ने बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा हूँ कैसे एक घंटा पहले नहीं पूछा। मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा हूँ कि इससे एक घंटे पहले नहीं पूछा, वरना जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, स्वीकार करो। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो और ये सोचो कि शनिवार के बाद रविवार आता है, इस दुख के बाद जिंदगी में सुख भी आएगा। हिम्मत सोचो, सोचो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, हिम्मत ही काम आएगी, बाकी कुछ काम आने वाला नहीं है।
दुनिया को अपने दुख दर्द मत बताओ, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये तुम्हारे दुखों को रो रो करके पूछेगी और फिर दुनिया को हंस हंस करके बताएगी, इसलिए दुनिया के सामने अपने दुख बयां मत करो, मत करो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत हिम्मत ही काम आएगी। एक लड़के की शादी हुई तो उसके दोस्त ने कहा इधर आ, इधर इधर आ, उसने एक मंत्र उसको दिया, बोले तेरी शादी हो रही नहीं, इसको ध्यान रखना, अगर इसको ध्यान नहीं रखना तो बहुत दुख भोगेगा। ठीक है, अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा मुझे 8 बजे ऑफिस जाना है, 7 बजे नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो घबरा गए, नहीं बाबू थी घबरा, उसने 6 बजे ही नाश्ता बना दिया। उसने कहा ये तो अच्छी बात है, नहीं मंत्र कहा तो करता है। अगले दिन उसने कहा आज मेरे घर मेरे 4 दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए भोजन बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो सुने हैं वो तो घबरा जाए। उसने 2 बजे आने वाले थे, 12 बजे ही अच्छा भोजन बना के तैयार कर दिया। उसने कहा पाखे ये मंत्र तो बहुत काम कर दो, समय से पहले काम हो जाता है। अगले दिन उसने कहा कि मैं 4 बजे मार्केट जाने वाला हूँ, मेरे बूट पर बारिश हो जाना चाहिए, नहीं तो परेशान हो गई, उसका चैन खत्म हो गया, नहीं तो बात में उसका जीना हराम हो गया। वो बाजू में एक बुढ़िया रहती थी, उसके पास गई और बोली अम्मा मैं इनका हर काम कर देती हूँ लेकिन फिर भी हर बात में नहीं तो बुढ़िया ने कहा कि पूछ लेना नहीं तो क्या। उसने कहा नहीं अम्मा मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं पूछ सकती हूँ, अगर मैंने पूछा नहीं तो क्या। उन्हें बोलना बंद कर दिया तो घर से निकल गए तो, मुझे घर से निकाल दिया तो, नाराज हो गए तो फिर। अरे बुढ़िया ने कहा बेटी तू चिंता मत कर, मैं उस डब्बू को जानती हूँ, मैं उस डब्बू को अच्छी तरह जानती हूँ, तो चिंता मत कर, पूछ लेना नहीं तो क्या। बुढ़िया ने ढाटस बनाया और घर वापिस भेजा। अगले दिन पति ने अपनी पत्नी से कहा मुझे 9 बजे की बंबई के लिए ट्रेन पकड़नी है, नहाने के लिए गर्म पानी 8 बजे होना चाहिए, हो जाना चाहिए, नहीं तो। पत्नी ने हिम्मत बांधी और बोली नहीं तो क्या। पति बोला ठंडे पानी से ना। ये क्या हो रहा है, हिम्मत तो करना पड़ेगी, हिम्मत तो करना पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं तो बहुत दुख देगा, नहीं तो ये जिंदगी भर दुख देगा, इसलिए हिम्मत तो करना पड़ेगा, हिम्मत ही काम आएगा। इसलिए मैंने कहा हिम्मत से काम लो, घुटने मत टेको परिस्थितियों के सामने, घुटने मत टेकिए। अरे जिंदगी में दुख आए तब भी मुस्कुराइए, और इतना मुस्कुराओ जिंदगी में दुख आए तब भी मुस्कुराओ, और इतना मुस्कुराओ कि दुख को भी लगने लगे। अरे यार।